रूस और यूक्रेन के बीच बीते एक साल से युद्ध चल रहा है। इस युद्ध को रोकने के लिए दुनिया के कई बड़े देश सामने आए, लेकिन रूस के आगे किसी की नहीं चली। इस बीच अब रूस को वो पावर मिल गया है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष की। रूस एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी का अध्यक्ष बन गया है। दरअसल यूएनएससी के सभी 15 सदस्यों के पास एक एक महीने के लिए अध्यक्षता आती है। इसके तहत अब अप्रैल महीने के लिए रूस के पास यूएनएससी की अध्यक्षता रहेगी। वहीं इस बीच यूक्रेन ने रशिया पर निशाना साधा है। यूक्रेन ने विदेश मंत्री दमिया कुलेवा ने वैश्विक समुदाय पर इसे जोरदार तमाचा बताया। उन्होंने कहा कि रूस का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष बनना वैश्विक समुदाय के मुंह पर जोरदार तमाचा है। रूस अपनी इस अध्यक्षता का दुरुपयोग भी कर सकता है। रूस यूएनएससी में डकैती की तरह है। मैं निवेदन करता हूं कि यूएनएससी के सदस्य रूस को ऐसी कोई हरकत भी न करने दें। दरअसल रूस की प्रेसिडेंसी को लेकर यूक्रेन पिछले कुछ दिनों से लगातार विरोध करता आ रहा है। इससे पहले रूस पिछले साल फरवरी यूएनएससी का प्रेसिडेंट बना था। उसी वक्त उसने यूक्रेन के साथ जंग का ऐलान कर दिया था। अमेरिका बोला, हम कुछ नहीं कर सकते। यूक्रेन की तरफ से लगातार विरोध के बावजूद रूस की अध्यक्षता को लेकर अमेरिका ने हाथ पीछे कर लिए हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी करीन जैन ने कहा, रूस काउंसिल का स्थायी सदस्य है, ऐसे में कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनसे एक महीने से अध्यक्षता नहीं छीन सकता है। ये नियमों के खिलाफ होगा। हमें लगता है कि रूस इस पावर का इस्तेमाल गलत जानकारी फैलाने और यूक्रेन में अपनी हरकतों को सही ठहराने के लिए करेगा, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश हैं। इनमें अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन स्थायी सदस्य देश भी हैं, जबकि 10 देशों को अस्थायी सदस्यता दी जाती है। गैर स्थायी सदस्यता का कार्यकाल 2 साल के लिए होता है। इसकी सदस्यता को चुनाव के बाद बढ़ाया जाता है। इसके लिए यूएनएससी हर साल 5 गैर स्थायी सदस्यों के लिए चुनाव कराती है। आपको बता दें, भारत भी काफी समय से सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भारत की राह में सबसे बड़ा रोड़ा चीन है। चीन के अलावा फ्रांस, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन भारत के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने पर अपनी सहमति जता चुके हैं। वहीं भारत अब तक 8 बार यूएनएससी का स्थायी सदस्य बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।